झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यूक्रेन के बीच युद्ध का असर अब कच्चे तेल पर साफ नजर आने लगा है। ब्रेंट क्रूड के दाम लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तेल की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। ब्रेंट $116 प्रति बैरल से ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के कारण रूस पर लगे प्रतिबंधों से व्यापार में व्यवधान और शिपिंग में परेशानी ने आपूर्ति की चिंताओं को पैदा कर दिया है। ब्रेंट क्रूड वायदा बढ़कर $116.83 प्रति बैरल हो गया है, जो अगस्त 2013 के बाद सबसे अधिक है। बीते कुछ दिनों से इसमें लगातार तेजी देखी जा रही है। वहीं बुधवार को ये $113 प्रति बैरल को पार कर गया था। हालांकि इन सब चीजों की अनदेखी करते हुए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC और रूस सहित सहयोगियों ने कीमतों में वृद्धि के बावजूद मार्च में प्रतिदिन 4,00,000 बैरल उत्पादन में वृद्धि बनाए रखने का फैसला किया है। ऐसे में अगर इसकी सप्लाई बाधित नहीं होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर सप्लाई बाधित हुई तो पूरी संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। हाल के दिनों में कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी आशंका जताई जा रही है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इजाफा हो सकता है, जो आम आदमी को सीधे तौर पर खर्च के लिए मजबूर करना उनके लिए ये भारी हो सकता है। भारत ने बीते साल के अंत में ही कुछ कदम उठाते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर करने में कामयाबी हासिल की थी। इंटरनेशनल एजेंसी यानी कि IEA के अनुसार रूस और दुनिया का तीसरे नंबर का उत्पादक है और वैश्विक बाजारों में तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। एजेंसी ने कहा कि रूसी कच्चे तेल के उत्पादकों को निर्यात दिसंबर से प्रतिदिन 7.8 मिलियन बैरल तक पहुंचाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।